व्यस्ततम दौरे से यहाँ पहुँचे उच्च राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी पहुँचकर पत्रकारों से बातचीत की। उनका ये कहना था कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है और आगे भी विकास परिणाम उत्तराखंड की जनता को दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि कल भी वे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री के अपेक्षाओं को लेकर कि कैसे राज्य के विश्वविद्यालयों को भारतवर्ष की ए रैंकिंग तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए विचार विमर्श भी किया जाएगा। वे कल भी यहां रहेंगे। हल्द्वानी से त्रिभुवन बाली, भास्कर समाचार सेवा। विश्वविद्यालय में हम लोगों के समीक्षा बैठकें हैं, विश्वविद्यालयों के निर्माण कामों से लेके यहाँ के प्रशासनिक कामों से लेके और विश्वविद्यालयों को देश की रैंकिंग में ए ग्रेड कैसे दिया जाए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और मैं अपने कुलपति जो हमारे निगी जी हैं यहाँ के अभी से इनके कार्यकाल में, जबकि अभी वो लगभग 10 महीने तो कोरोना में चले गए हैं, लेकिन 35 करोड़ रुपये से ज़्यादा के काम इस बार मुक्त विश्वविद्यालय में हो रहे हैं, जिसकी आधारशिला जो है मुख्यमंत्री जी फरवरी फर्स्ट वीक में रखने वाले हैं। आज हम उसका भी निरीक्षण करने वाले हैं। 2 दिन में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हूँ, फिर 2 दिन हम लोग जो है दून विश्वविद्यालय में, ऐसे मैंने लगभग फरवरी महीने में प्रत्येक विश्वविद्यालयों को 2-2 दिन दे रहा हूँ। और पहला टारगेट ये है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए, और दूसरा टारगेट ये है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में कैसे लाएं। कब तक कॉलेज खोलने के विचार? देखिए, कॉलेज तो हमने खोल दिए हैं, लेकिन 4 फरवरी से हमारे कॉलेज भी दिवस शुरू हो जाएंगे और सब ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे। सर, अभी ये आप प्रोटोकॉल मिनिस्टर भी हैं, प्रोटोकॉल मिनिस्टर के तौर पे क्योंकि कुंभ होने वाला है, तो ऐसे में क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि इस कुंभ में आएँ, क्योंकि वो लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं, इससे पहले भी उनका उत्तराखंड को लेकर प्रेम दिखता रहा है? देखिए, भारत सरकार ने अभी कुंभ के लिए SOP जारी नहीं की है, क्योंकि कितने लोग आ पाएंगे, किस हिसाब से होगा, ये अभी भारत सरकार से अभी मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मदन कौशिक जी जो वहाँ के मिनिस्टर हैं और कुंभ का भी काम देख रहे हैं, ये दोनों लोग जल्दी जो है प्रधानमंत्री जी से भी और अपने गृह मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, और निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी को कुंभ के लिए भी और सभी लोगों को अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित करें। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो पोस्टिंग है वो शुरू से थोड़ा सा विवादों के घेरे में रही है, ये कब तक और कैसे, क्योंकि काफ़ी लोग एग्जाम में भाग लेते हैं जिस लोगों की पोस्टिंग होनी है, तो उन विवादों में कैसे? देखिए, ऐसा है कि UGC के जो नॉर्म्स हैं कि नेट क्वालिफाइड चाहे PhD चाहे और जिन जिन नॉर्म्सों में के तहत जो भी भर्तियां की जाएंगी, देखो पहले सरकारी होती थी कि भर्ती नहीं करती थी, अब हम हर विभागों में इस साल हमने रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। मेरे अकेले उच्च शिक्षा में अभी तक 1000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो चुकी है, और हमने बड़ा काम ये किया है कि जितने हमारे एडिट कॉलेज हैं उनको भी एक आदेश दे दिया है कि वो नियुक्तियाँ जो है पारदर्शी की जाएंगी, और उच्च शिक्षा आयोग से या अधीनस्थ चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग से भर्तियाँ की जाए। सर सवाल हमने सबको कहा है कि सभी नियुक्तियाँ पारदर्शी ढंग से की जाए। सर, लेकिन इसी में सवाल ये है कि अगर हाल ही में जो आपने असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के 1 साल पहले जो भर्तियाँ की, उसमें एक आपके PRO नियुक्त हो गए, एक VC साहब के जो हैं एक PA नियुक्त हो गई, उसके अलावा एक भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री नियुक्त हो गए, क्या इतने सारे लोगों में जो अप्लाई किए योग्य केवल और केवल यही लोग निकले? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई PRO नियुक्त नहीं हुआ है, और इसके लिए या तो जनहित याचिका दायर आप करो या मैं करूँ। मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी है, और कुछ प्रेस के लोगों को इतनी गलत फहमी मुझे नहीं लगता है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर।